रूस और यूक्रेन में जो जंग चल रही है, अब रुख उन खबरों का कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है कि डोनेस में यूक्रेन फोर्स का तलाशी अभियान जारी है। रूसी सैनिकों की तलाश करती है यूक्रेन आर्मी। रूसी काफिले पर यूक्रेन का जबरदस्त अटैक हुआ है। यूक्रेन के हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है। ये यूक्रेन ने दावा किया है कि जो उसने हमला किया है उसमें कई रूसी सैनिकों की मौत हुई है। इन तस्वीरों से साफ है कि यूक्रेन में रूस को कड़ी चुनौती मिल रही है। यूक्रेन को मिल रहे हाईटेक हथियारों से न सिर्फ रूस की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बल्कि इन हथियारों ने यूक्रेनी जवानों का मनोबल बढ़ा दिया है। देखिए किस तरह से रूसी सैन्य काफिले को तबाह करने के बाद यूक्रेनी सैनिक पूरे इलाके की तलाशी कर रहे हैं कि कहीं कोई रूसी जवान तो जिंदा नहीं बचा है। रूसी सैन्य वाहन के चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेनी हमले में रूस को कितना भारी नुकसान पहुँचा है। वहीं डोनेक्स में भी रूस की मुश्किलें कम नहीं हो रही। यहां भी यूक्रेनी आर्मी डटकर रूस का मुकाबला कर रही है। देखिए किस तरह से यूक्रेनी आर्मी पूरे इलाके में रूसी जवानों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही है। और ओडेसा शहर पर रूस ने मिसाइल दागी। ब्रिज को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया रूस ने। मिसाइल अटैक से दिन में ही अंधेरा हो गया, इतना खतरनाक अटैक था ये। जंग के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यूक्रेन की धरती रूस के मिसाइल हमलों से दहल रही है। जिस जंग के कुछ घंटों में ही खत्म करने की कसम रूस ने खाई थी, वो 100 दिन बाद भी जारी है और कब जाकर खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। रूसी हमले से पूरा यूक्रेन खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है, जिसके चलते मिसाइल हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा शहर की हैं, जहां रूसी आर्मी ने मिसाइल दागी। मिसाइल अटैक के बाद देखिए किस तरह से दिन में ही अंधेरा हो गया, आसमान में आग के शोले दिखाई दिए। हमले के बाद काफी देर तक पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। ये हमला ओडेसा के एक पुल को निशाना बनाकर किया गया था। अटैक के बाद पूरा ब्रिज खंडहर बन गया। रूस एक एक करके यूक्रेन की आवाजाही के रास्तों को खत्म करने में जुटा है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।